हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं फरवरी का जो दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है इसका भाग एक अब तक लेकर आऊंगा। इसमें 8 और 9 फरवरी के करंट अफेयर हैं, दो दिन के टोटल करंट अफेयर हैं 80। स्टडी आईक्यू की जो सेल है वो कल से चलेगी यानी 11 तारीख से चलेगी और हमारे पेनड्राइव कोर्सेज इन सब एग्जाम के लिए उपलब्ध हैं। SSC, बैंक PO, UPSC इत्यादि, मध्य प्रदेश PSC का पेनड्राइव कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। 20 तारीख से हम डिस्पैच स्टार्ट कर देंगे। इसको बनाया है मध्य प्रदेश पीएससी की रैंक 1 संपदा सराफ ने। इसके अलावा CDS, NDA, SSB इत्यादि के लिए बहुत सारे पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट जरूर करिए studyiq.com। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लगभग 8000 बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो काफी क्वेरीज पूछते हैं और मैं आंसर करता हूं, टायरलेस सोल है मेरी आईडी। या ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है gaurav_888। तो शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा शहर है जिसने नेशनल मीट ऑन ग्रास रूट इन्फॉर्मेटिक्स विविड 2018 यानी विविड 2018 नाम का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ग्रास रूट इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर, डिजिटल इंडिया के ऊपर, कहां पे ये हुआ? इसका थीम था साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन। साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं जो हमारे कंप्यूटर कितना अटैक को झेल सकता है उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, वायरस से बच सकता है, हैकिंग से बच सकता है, डिजिटल इंडिया में काफी जरूरी है। और इनोवेशन बोलते हैं नया कुछ करना, नया अनुसंधान करना, नई चीजें करना, नए उत्पाद और सेवाएं बनाना। ये मीट हुई थी नई दिल्ली में। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और ये हमारे कानून मंत्री भी हैं। इनमें से किसे दूसरा अकबर काकाटिल अवार्ड मिला है इनकी किताब के लिए जिसका नाम है सुगंधी एन्ना अंदाल देवनाय की। यह किताब लिखी है और ये मलयाली में लिखते हैं, मलयाली यानी मलयालम भाषा, ये केरल की भाषा है। केरल का एक डांस भी है जिसको बोलते हैं, दो डांस हैं, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। कथकली को कथक के साथ कंफ्यूज मत करना, कथक जो है ये उत्तर भारत का डांस है। सो इन राइटर का नाम है TD रामकृष्णन। केरल में वामपंथी सरकार है, CPIM पार्टी है और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल की सरकार ने शी पैड नाम की स्कीम स्टार्ट करी थी, आपको याद होगा। शी पैड के अंदर इन्होंने जो वहां की लड़कियां हैं उन्हें फ्री सैनिटरी पैड देने का निर्णय लिया था। इनमें से जो ICC बोर्ड है इन्होंने अपना पहला स्वतंत्र फीमेल डायरेक्टर किसे बनाया है? इनका नाम है इंदिरा नुई और ये पेप्सिको कंपनी की चेयरमैन है, ये ग्लोबल CEO है, अमेरिका में रहती हैं, इनका नाम है इंदिरा नुई। कौन सा बैंक है जिसने अपना म्यूजिकल लोगो बनाया है जिसका नाम है मोजो? इसको बनाने वाला बैंक है इंडस इंड बैंक और ये लोगो बनाया है राजीव राजा नाम के व्यक्ति ने, राजीव राजा। इस बैंक के CEO कौन है? रमेश सोबती। क्या आप कमेंट्स में लिख के ये बता सकते हैं इंडस इंड बैंक जो है ये कौन सी कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है, कौन सी कंपनी के साथ इसका विलय हो रहा है? कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने किसान कल्याण प्राधिकरण सेटअप करने का निर्णय लिया है, बनाने का निर्णय लिया है और जो मुख्यमंत्री होंगे इस राज्य के वो इसके चेयरमैन होंगे? तो ये राज्य है हरियाणा की सरकार ने एक योजना भी स्टार्ट करी हुई है, भावांतर भरपाई योजना। ये बिल्कुल वैसी योजना है जैसी भावांतर भुगतान योजना है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, कप्तान सिंह सोलंकी हैं यहाँ के गवर्नर। यहाँ पे कलेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एक बात याद रखिए, जो सुल्तानपुर एरिया है ये उत्तर प्रदेश में भी एक है लेकिन दोनों अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर से जो सांसद है लोकसभा के वो है वरुण गांधी। हमारी केंद्र सरकार ने जो मीनामाटा कन्वेंशन है उसको मंजूरी दे दी है, उसको रेटिफाई कर दिया है। ये किसके यूज पर है? ये है मरकरी। 2025 तक ये मंजूरी दे दी है, यानी कि मरकरी जो होता है पारा जिसे बोलते हैं, हमें इसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है क्योंकि ये कई तरह के डिजीज फैला सकता है। कौन सा मंत्रालय है भारत का जिन्होंने टूल्स बनाए हैं कुछ ऐसे जो हमारे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे साथ उन्हें रैंक करेंगे कि उन्होंने जो नए उद्योग हैं, नवीन उद्योग, उनको प्रमोट करने के लिए कितना अच्छा काम किया, उसकी रैंकिंग एक बनाएंगे? ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्री हैं सुरेश प्रभु जो पहले हमारे रेल मंत्री थे। हमारी केंद्र सरकार ने कितने तेल और गैस के भंडार, उनके जो कुएं हैं, फील्ड हैं, ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इनके दूसरे चरण में नीलाम करने का निर्णय लिया है? तो कितने तेल और गैस के फील्ड ONGC और OIL के
ये इनकी नीलामी होगी, टोटल है 60। ओएनजीसी जो है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम को एक्वायर कर रही है, उसमें स्टेक खरीद रही है एचपीसीएल में, ओएनजीसी ने एचपीसीएल में स्टेक लिया है। ओएनजीसी जो है शशि शंकर है इसके चेयरमैन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, पिछले साल तक ये भारत की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी थी, लेकिन इस साल सबसे प्रॉफिटेबल भारत की सरकारी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी। इनमें से पूरी दुनिया में नंबर वन गोल्फ खिलाड़ी कौन है भारत के कौन है, इनका नाम है शुभांकर शर्मा, इनकी पूरी दुनिया में रैंक है 72। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का जो टारगेट है उसे बढ़ा के 5 करोड़ से कितना कर दिया है, इन्होंने कर दिया है 8 करोड़, और यह अचीव करना है 2020 तक। इसमें 4800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जिसमें एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं जिससे चूल्हे वगैरह का इस्तेमाल कम हो। एक बात याद रखिए, एक केंद्र सरकार की स्कीम है उदय उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, सिर्फ 2 राज्य हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया है, एक है उड़ीसा और दूसरा है पश्चिम बंगाल। कौन सी कंपनी है जिसने टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर इंटरनेट साथी प्रोग्राम को विस्तारित करने का निर्णय लिया है, उसको काफी और ऑगमेंट करेंगे, बढ़ाएंगे तमिलनाडु के अंदर, जिससे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको डिजिटली साक्षर बनाया जा सके, तो ये कौन सी कंपनी है जो टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर चला रही है ये प्रोग्राम? ये कंपनी है गूगल, और गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई, अमेजॉन के हैं जेफ बेसोस जो ब्लूमबर्ग के हिसाब से आज तक के इतिहास के सबसे अमीर आदमी हैं, $106 बिलियन इनकी संपत्ति है जो लगभग 7 लाख करोड़। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला और फेसबुक के हैं मार्क जकरबर्ग। इनमें से केरल हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इनका नाम है एंटोनी डोमिनिक और पी सताशिवम जो केरल के गवर्नर हैं उन्होंने इनको शपथ दिलाई। भारत ने अभी अभी टेस्ट फायर करा है हमारा खुद का बनाया हुआ इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल चांदीपुर टेस्ट रेंज से। इसकी जो स्ट्राइक है वो है 350 किलोमीटर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पृथ्वी द्वितीय। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। भारत ने अभी अभी अप्रूव कर दिया है कि वो जो प्रोटोकॉल है जो अमेंड करता है एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन, कौन से देश के साथ हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दी है, उसमें संशोधन को मंजूरी दी है। ये देश है चीन, चीन को दी है। चीन की राजधानी है बीजिंग जहां पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, और AIIB से सबसे ज्यादा लोन लिया भारत ने 2017 में, उसके बाद लिया इंडोनेशिया ने। इस बैंक के जिन लीकन है प्रेसिडेंट, और चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और यहां की मुद्रा है युआन या रेनमिनबी। चाइना अपना ओवरसीज मिलिट्री बेस इन्होंने पहला अपना बनाया जिबूटी में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक कंट्री है। कितना अमाउंट डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड यानी DIB ने प्रिंस चार्ल्स कितना अमाउंट डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड का प्रिंस चार्ल्स ने लॉन्च किया है भारत में एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए? यह है $10 मिलियन। $10 मिलियन यानी लगभग 65 करोड़ रुपए। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट की हमारी अपॉइंटमेंट कमेटी है, इन्होंने किसकी एक्सटेंशन नीति आयोग के सीईओ के तौर पे बढ़ा के 30 जून 2019 तक कर दी है? इनका नाम है अमिताभ कांत, आप इनको फोटो में देख सकते हैं, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन का नया नाम है, इसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, चेयरमैन है प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा जो 15 फाइनेंस कमीशन है एनके सिंह होंगे उसके चेयरमैन, अभी चल रहा है 14 फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरमैन है YV रेड्डी, और 15 फाइनेंस कमीशन स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। अभी अभी जेट ट्रेनर फिटेड विद इंडिजिनस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, उसने अपनी पहली उड़ान भरी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हॉक वन। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? सुवर्ण राजू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जिससे पे एज यू यूज टॉलिंग को स्टडी कर सके। कौन से हाईवे के ऊपर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? पायलट प्रोजेक्ट मतलब पहले इस हाईवे पे चला के देख रहे हैं, अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर पूरे भारत में चलाया जाएगा। ये है दिल्ली टू मुंबई हाईवे। और NHAI के चेयरमैन कौन है? दीपक कुमार। भारत में जो भी राजमार्ग बनते हैं सब NHAI बनाती है, सिवाय बॉर्डर्स के ऊपर। अगर बॉर्डर पर कोई बन रहा है या पहाड़ों पर बन रहा है तो उसे बनाएगा BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
दूसरा अध्याय नेशनल माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल जिसका नाम है थेस्पिस 2, ये कहां पे हुआ? ये आयोजित किया गया नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और नई दिल्ली ने अभी अभी फुकुओका प्रीफेक्चर जापान के साथ एक एग्रीमेंट करा है। हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि वो लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग के लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन करा है, MOC साइन करा है। तो आपको बताना है कौन से देश के साथ साइन करा है। ये देश है अमेरिका, USA। मदावूर वासुदेवन नायर का निधन हो गया। ये कौन से डांस से एसोसिएटेड थे? ये डांस करते थे कथकली, जो केरल का डांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हमारा भारत का खुद का बनाया हुआ मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, जो हमने अभी अभी अब्दुल कलाम आइलैंड नाम है व्हीलर आइलैंड का, इसका पुराना नाम है व्हीलर आइलैंड, उड़ीसा के तट से हमने इसको टेस्ट फायर किया। यह है अग्नि 1, 700 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी और यह 1000 किलो तक न्यूक्लियर बम लेके उड़ सकती है। तो आंसर है अग्नि 1 और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे हिट करती है अपने टारगेट को, अगर ये ए है और ये बी है, पहले वातावरण से निकल जाती है दूर और फिर वापस ऐसे आती है। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल, जो एकदम सीधी जाती है, जैसे ब्रह्मोस या जैसे निर्भया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, निर्भया सबसोनिक मिसाइल है। पांचवा साउथ एशिया रीजनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्फ्रेंस अभी अभी कहां पे हुआ? ये था साउथ एशिया रीजन पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम सरकारी जो खरीद फरोख करते हैं चीजों की, उसके बारे में चर्चा की गई। ये हुआ नई दिल्ली में, इसका उद्घाटन करा श्री अरुण जेटली ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उन्होंने अभी अभी जनद्रिया नाम का एक त्यौहार, उसका उद्घाटन करा, वहां पे गई वो, विजिट किया उन्होंने। और ये कौन से देश का सांस्कृतिक त्यौहार है? ये है सऊदी अरब का। सऊदी अरब के राजा हैं किंग सलमान। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, नूफ मरवाई है सऊदी अरब की पहली योगा सिखाने वाली महिला। और भारत जो है इस बार सऊदी अरब में गेस्ट ऑफ ऑनर। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। केंद्र सरकार ने अप्रूव करे हैं MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में कुछ चेंजेस, जिसमें जो MSME हैं उनको क्लासिफाई करने के जो क्राइटेरिया हैं वो थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, इससे किसमें तब्दील किए गए हैं? ये तब्दील किए गए हैं एनुअल टर्नओवर में। तो अब मैं आपको बता देता हूं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज किसे कहते हैं। इसके हमारे मंत्री हैं गिरिराज सिंह। देखिए, माइक्रो इंडस्ट्री वो है जो 5 करोड़ से कम जिसका टर्नओवर है साल का। स्मॉल इंडस्ट्री वो है 5 करोड़ से 75 करोड़ जिसका टर्नओवर है। और मीडियम इंडस्ट्री वो है 75 करोड़ से 250 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है। ये होती है माइक्रो स्मॉल और मीडियम। तो पहले प्लांट इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी आप इंडस्ट्री कितने की लगा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। ये बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कौन से टैक्स ब्रैकेट में आसानी से आती है। क्योंकि 250 करोड़ रुपए तक अब आपको सिर्फ 25% कॉर्पोरेट टैक्स भरना है। कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है पॉल्यूशन मीटर? ये पॉल्यूशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा। ये लॉन्च करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, ये भारत का सबसे साफ सुथरा जो शहर है वो आया था पिछले साल के स्वच्छ सर्वेक्षण में। और दूसरे नंबर पे आया था भोपाल, तीसरे नंबर पे था विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का है। और जो भोपाल है, इसके रेलवे स्टेशन पे अभी लगी है वेंडिंग मशीन, जो सैनिटरी पैड होते हैं महिलाओं के, वो डिस्पेंस करेंगी। मध्य प्रदेश की नई गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट दोबारा किन्हें चुन लिया गया है? इनका नाम है अब्दुल हमीद। बांग्लादेश जो है, भारत और बांग्लादेश में दो ट्रेन चलती हैं, एक का नाम है बंधन एक्सप्रेस और दूसरी का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। और भारत पाकिस्तान में दो ट्रेन चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस और थार लिंक एक्सप्रेस। जो थार लिंक एक्सप्रेस है, ये जोधपुर को कराची से जोड़ती है, और जो समझौता एक्सप्रेस है, दिल्ली को लाहौर से जोड़ती है। ये अटारी बॉर्डर होते हुए जाती है, वाघा बॉर्डर। और बंधन और मैत्री चलती भारत बांग्लादेश के बीच में, और ये ढाका और कोलकाता और कोलकाता और खुलना को रेस्पेक्टिवली जोड़ती है। कंगीर जमो का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध क्या थे? ये एक पॉलिटिशियन थे और ये बीजेपी के चीफ थे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामडाफ नेशनल पार्क है और माउलिंग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू और यहाँ पे तवांग और वेस्ट कामांग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगी नई एक सुरंग, जो सेला पास पे बन रही है। ये अनाउंस हुआ था बजट के अंदर। पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है जिन्होंने वनडे मैचेस में 200 विकेट लिए हैं पूरी दुनिया में?
ये पहली हैं, इनका नाम है झूलन गोस्वामी। इन्होंने ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे जो हुआ था उसमें विकेट लेके बनाया रिकॉर्ड, और इनका नाम है झूलन गोस्वामी। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साथ जो हमारी केंद्र सरकार है वो एक ऐसा मैकेनिज्म बना रही है जिससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं उन्हें आसानी से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकें, ये है CSIR। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कौन सी जगह की के जो चाय उगाने वाले किसान हैं उन्होंने अपना ट्रेडमार्क रिसीव करा है 154 साल के बाद, तो ये है नेपाल। ये आप देख सकते हैं हिमालयन प्योर नेपाल टी। जो दार्जिलिंग की चाय है वो भारत में पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला था, और भारत में सबसे ज्यादा जो चाय है वो होती है असम में, और सबसे ज्यादा अगर पूछें शहर कौन सा है तो वो है दार्जिलिंग। नेपाल जो है इसमें नए प्रधानमंत्री बने हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, काठमांडू है इसकी राजधानी, और नेपाल जो है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी है जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कौन सा राज्य है जिसने हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया जो इंडेक्स है उसे टॉप किया है नीति आयोग के, यानी इस राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अच्छी हैं, तो ये राज्य है केरल, और सबसे खराब है उत्तर प्रदेश में। सबसे नीचे था उत्तर प्रदेश जो बड़े राज्यों के अंदर, और सबसे जो टॉप पे था वो है केरल। इसको रिलीज करा अमिताभ कांत ने जो नीति आयोग के CEO हैं। एक बात याद रखिए, हमारे जो हेल्थ मंत्री हैं वो हैं जेपी नड्डा, हमारी हेल्थ सेक्रेटरी हैं प्रीति सुडान, और हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ मंत्रालय में अनुप्रिया पटेल। इनमें से पहला रिचेस्ट पीपल इन क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च करा फोर्ब्स ने, इसमें सबसे धनी व्यक्ति कौन है यानी इनके पास क्रिप्टो करेंसी के रूप में सबसे ज्यादा दौलत है। ये रिपल कंपनी के को फाउंडर है, इनका नाम है क्रिस लार्सन। सबसे पहला चैट बेस्ड जॉब सर्च ऐप लॉन्च हुआ है भारत में, इसका नाम क्या है, चैट बेस्ड जॉब सर्च ऐप, इसका नाम है एम्पजिला। एम्पजिला के जो चेयरमैन है वो है आकाश अत्री। भारत MOU साइन कर रहा है एक सेकेंडमेंट प्रोग्राम हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और ट्रेजरी, कौन से देश के बीच में, यानी हमारा जो इकोनॉमिक अफेयर मंत्रालय है और इस देश का जो ट्रेजरी है उनके बीच में, ये देश है ऑस्ट्रेलिया, और ये 3 महीनों के लिए हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मेलकॉम टर्नबुल प्रधानमंत्री हैं, कैनबरा है राजधानी। हमारा जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैविक ऊर्जा का जो मंत्रालय है उन्होंने 100 करोड़ रुपए के फंड उनको सैंक्शन किया है। कितने सोलर सिटी बनेंगे भारत में, टोटल बनेंगे 60 सोलर सिटी, और भारत में बनेंगे 99 स्मार्ट सिटी, और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। केंद्र सरकार ने कितने अफोर्डेबल हाउस अर्बन पुअर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत बनाने का निर्णय लिया है, तो ये है 1.86 लाख, और टोटल अब तक हो गए हैं 39.25 लाख। टारगेट है 6 करोड़ का टोटल, 2 करोड़ अर्बन एरिया में, 4 करोड़ रूरल एरिया में, और डेडलाइन है 2022। कौन सा देश है जिसने अनाउंस करा है कि वो एक नया एथलेटिक्स वर्ल्ड कप इवेंट होस्ट कर रहा है जिसमें 8 कंट्री खेलेंगे जो टॉप कंट्री है, ये अनाउंस करा है यूके ने। यूके ने अभी 3 पेरेंट बेबी जो होता है उसे भी मंजूरी दे दी है। कौन से राज्य की सरकार ने गोवर्धन योजना स्टार्ट करी है जिससे किसानों को ऑर्गेनिक जो मैन्योर है वो प्रोवाइड किया जाए, और गाय का पेशाब भी प्रोवाइड किया जाए किसानों को जिससे खेती अच्छी हो, ये अनाउंस करा है हरियाणा की सरकार ने। कौन सा मंत्रालय है जिसने अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ MOU साइन करा है? आयुष जो है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के लिए होता है। इसमें जो सिद्ध है ये तमिलनाडु से आया था, और जो यूनानी है ये यूनान से आया था जिसे आज हम ग्रीस बोलते हैं, तो ये डिपार्टमेंट है रेलवेज का। और रेलवेज ने एक ऐप भी लॉन्च करा है जिसका नाम है सफूर्ति। क्या सफूर्ति के अंदर टी की फुल फॉर्म आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी उद्घाटन करा 88वें महामस्तक अभिषेक उत्सव लॉर्ड गोमतेश्वर का। कहां पे मनाया जाता है ये मनाया जाता है हसन डिस्ट्रिक्ट में। जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ है जिसको बोलते हैं श्रवण बेलगोला। गोमतेश्वर, इनको हम बाहुबली भी बोलते हैं, गोमतेश्वर भगवान को, और ये 12 साल में एक बार होता है महामस्तक अभिषेक, तो आंसर है कर्नाटक। कितना अमाउंट हमारी जो केंद्र सरकार है वो उड़ीसा को दे रही है वहां पे रेलवे के विकास के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए? ये अमाउंट है 5252 करोड़ रुपए। उड़ीसा में BJD की सरकार है, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। यहां पे सिमलीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूज में काफी आया अभी, और इसके अलावा यहां पे भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। एक चीज और याद रखिए,
भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसे महिलाएं संचालित कर रही हैं वो है मातुंगा मुंबई के अंदर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज की गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा, ये छठा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हुआ जो आखिरी होता है साल का छठा, इसमें क्या चीज चेंज की गई है। बैंक रेट जो है ये 6.25% है, रेपो रेट जो है ये 6% है, रिवर्स रेपो रेट है 5.75% और कैश रिजर्व रेशो 4%, एसएलआर 19.5, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी है 6.25%। तो आंसर है नन ऑफ दी अबव। कौन सा राज्य है जिसने मेडल टैली को टॉप करा है, 102 मेडल जीते इन्होंने खेलो इंडिया स्कूल गेम में, तो ये राज्य है हरियाणा। इन्होंने 38 गोल्ड मेडल जीते और हरियाणा नंबर वन रहा, दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र, सो आंसर है हरियाणा। हमारे जो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं ये हैं हमारे खेल मंत्री। मुरुगप्पा ग्रुप का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है M.M. मुरुगप्पा, ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर ए वेलेयन को। कितना अमाउंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर लगाया है पेनल्टी, क्योंकि ये अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे थे। गूगल अपनी जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे यूट्यूब है या दूसरी कंपनियां, उन पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहा था, ये फाइन है 136 करोड़ रुपए का। कंपटीशन जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है इसने अप्रूव करा है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है मिलिंग कोपरा का, मिलिंग कोपरा 2018 के लिए ये कितना होगा, ये होगा 1000 रुपए पर क्विंटल। इनमें से एसबीआई कार्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बना है, ये रिप्लेस करेंगे विजय जासूजा को, इनका नाम है हरदयाल प्रसाद। सरकार जो है वो एक इन्वेस्टमेंट विंग बना रही है जिससे इस राज्य में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है उन्हें फॉलोअप किया जा सके। ये कौन से राज्य की बात हो रही है, ये हो रही है असम। इसका नाम ये रखेगी इन्वेस्ट असम, और अभी अभी यहां पे एडवांटेज असम नाम का एक समिट भी हुआ था गुवाहाटी के अंदर, एडवांटेज असम, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपए के जो कमिटमेंट है वो साइन हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनमें से किस व्यक्ति को जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड मिला है बायो एशिया 2018, तेलंगाना की सरकार ने दिया है, इनका नाम है माइकल हॉल, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, पार्टी का नाम है TRS, यहां का एक बतुकम्मा त्यौहार भी है, हैदराबाद यहां की राजधानी है। नेवल स्टाफ जो है उसके असिस्टेंट चीफ कौन बने हैं, असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर, इनका नाम है रेयर एडमिरल मुकुल अस्थाना। बीजी बनाकर इनका निधन हो गया, ये कौन से राज्य की विधानसभा के स्पीकर थे पूर्व, ये थे कर्नाटक की विधानसभा के पूर्व स्पीकर, और ये एनिमल हस्बेंड्री के पशुधन के मंत्री भी रह चुके हैं। इनमें से कौन सा ऐसा रेलवे है भारत का रेलवे जोन जो 100% एलईडी लाइटिंग जहां पे हो गई इसके सारे स्टेशन पर, ये है साउथ सेंट्रल रेलवे। इसके अंदर 733 स्टेशन आते हैं, सारे एलईडी लिट हो चुके हैं, और जो केंद्र सरकार की स्कीम है वो है उजाला, जो हमारे पुराने बल्ब को रिप्लेस करने के लिए एलईडी बल्ब से चल रही है, जिसमें टारगेट है हमें 77 करोड़ बल्ब को रिप्लेस करना है। अभी अभी मणिपुर हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो पहली महिला बनी है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है अभिलाषा कुमारी, इन्हें मणिपुर की गवर्नर नजमा हप्तुल्ला ने शपथ दिलाई। एक बात याद रखिए, ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, ये उनकी बेटी हैं अभिलाषा कुमारी। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट छोड़ा जिसका नाम है फैल्कॉन हैवी, ये रॉकेट है स्पेसएक्स का, और एलोन मस्क है इस कंपनी के सीईओ। एक और रॉकेट है इनका फैल्कन 9, इन्होंने साथ में एक गाड़ी भी भेजी है, उस गाड़ी का नाम है टेस्ला रोडस्टर। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है जिसने फिनटेक पॉलिसी को अपनाया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ये राज्य है महाराष्ट्र। ये अगले 3 साल में 300 नए उद्योग हैं, स्टार्टअप्स हैं जिन्हें सपोर्ट करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है उसके खिलाफ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये 17 अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहां पे जेनिटल म्यूटिलेशन बहुत ज्यादा किया जाता है महिलाओं का, और इसके लिए दिवस है वो है 6 फरवरी। एक इंटर रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो रेकमेंड कर रहा है कि एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होना चाहिए जिससे भारत में जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके और डेटा प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी अध्यक्षता किसने करी, वर्किंग ग्रुप जो बना था इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता करी मिस्टर सुदर्शन सेन ने। कौन सी कंपनी है जिसने लिक्विड हब कंपनी को खरीद लिया है 400 मिलियन यूरोज में, यह कंपनी है कैप जेमिनी का हेडक्वार्टर है पेरिस में, जहां पे 2024 के ओलंपिक खेल होंगे, फ्रांस की राजधानी है, यूनेस्को और ओईसीडी का हेडक्वार्टर भी यहां पर है।
इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एनसीईआरटी के साथ पार्टनरशिप करी है, ये डिजिटल सिटीजनशिप और सेफ्टी के ऊपर कोर्स बना रही है जो फिर आगे जाके बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ये कंपनी है गूगल। गूगल और एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर एच सेनापति, डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। कौन सी कंट्री है जो पहला कंट्री बना है जिसने सेम सेक्स मैरिज लेजिस्लेशन को रिपील कर दिया है, यानी उसे खत्म कर दिया है। अब यहां पे सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह नहीं हो सकते। ये देश है बर्मुडा। बर्मुडा की राजधानी क्या है? हैमिल्टन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है जिसे टॉप एनवायरमेंट पॉलिसी थिंक टैंक यानी कि पर्यावरण संबंधी नीतियों के लिए नंबर वन विचार मंच भारत का डिक्लेयर करा है? टीटीसीएसपी ने, यानी थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटी प्रोग्राम ने, जो लॉडर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के अंदर है। यह है भारत का विचार मंच, इसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, और पूरी दुनिया में भारत का स्थान है 16वां। हमारी केंद्र सरकार ने अपना अप्रूवल दे दिया है। इनमें से कौन से देश के साथ हमने एमओयू साइन करा है कौशल विकास के क्षेत्र में, वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में और ट्रेनिंग के क्षेत्र में? यह देश है यूके। यहां की प्रधानमंत्री है थेरेसा मे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि वो ओम्बड्समैन बना रहा है। इनमें से जो ओम्बड्समैन क्या करता है, जनता की शिकायतें सुनता है और उनको फिर एड्रेस करता है, तो इनमें से किस चीज के लिए बना रहा है? वो बना रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, एनबीएफसी के लिए। ये बेसिकली क्या है कि अभी 20 बैंकिंग ओम्बड्समैन है जो अपॉइंट किए जा चुके हैं आरबीआई द्वारा, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनका जो स्कोप है वो वाइड कर रहे हैं। 100 करोड़ तक जो एसेट साइज है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंदर आएंगे, यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो 100 करोड़ रुपए तक जिनका एसेट साइज है उनमें ये ओम्बड्समैन काम करेंगे इनिशियली। अभी किसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है एश ट्रैक। ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है उनमें से जो फ्लाई एश निकलती है, राख निकलती है, उसको मेजर करेगा, उसका प्रबंधन करेगा, उसका मैनेजमेंट करेगा। ये लॉन्च करी आर के सिंह ने, जो हमारे पावर मंत्री भी हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री भी हैं। रक्षा मंत्री की एडवाइजरी कमेटी बनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए। ये चेक करेगी कि हमारे जो कैपिटल एक्विजिशन प्रोजेक्ट हैं 5 बिलियन से ज्यादा यानी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा, उनको मैनेज करेगी, उनको रिव्यू करेगी। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगे विनयशील ओबरॉय। कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है इंटरनेशनल पैसेंजर्स की अगर बात करें 2017 में रहा? यह है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां पे लगभग 88.2 मिलियन लोगों ने ट्रैवल करा 2017 में। और जो हमारा इंडिया का है वो है मुंबई एयरपोर्ट, आपको पता ही होगा मुंबई एयरपोर्ट, लेकिन उनमें है जो सिंगल पट्टी वाले हैं यानी जिनमें उड़ने का एक ही हवाई पट्टी है, तो सिंगल रनवे वाले। दुबई एयरपोर्ट में काफी सारे रनवे हैं याद रखिए, तो सिंगल रनवे वालों में नंबर वन है मुंबई, दूसरा है गैटविक एयरपोर्ट जो यूके के अंदर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि वो बेस रेट को एमसीएलआर के साथ लिंक कर रहे हैं। ये कब से करेंगे? ये करेंगे 1 अप्रैल 2018 से वित्तीय वर्ष की शुरुआत में। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो नंबर वन रैंक करा है भारतीय इंस्टीट्यूट के अंदर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया की जो आई है उनके अंदर? 29वें नंबर पे है एशिया के अंदर, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और नंबर वन है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अभी एक कमेटी बनी है जो ये चेक करेगी कि इस राज्य में क्या हम ये 3 रंगों का झंडा ये क्या हमें रखना चाहिए या नहीं। इन्होंने रेकमेंड करा है कि हाँ रखना चाहिए, अब देखना होगा क्या ये वास्तव में रखते हैं कि नहीं। तो ये झंडा होगा कर्नाटक का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, यहां की राजधानी है बेंगलुरु। इनमें से भारत की क्या रैंक है 50 कंट्री में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जिसे यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दिया है? 50 में हमारी रैंक है 44, पिछले साल थी 43। अभी आधारशिला किसने रखी? रोडोडेंड्रोन पार्क बन रहा है तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में, इसकी आधारशिला रखी वहां के मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव करा है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए जो स्कीम चलाई गई है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 2019-20 तक उनमें कितना खर्चा आएगा? इनमें आएगा 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा। भारत में 24 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे अंडर सर्व्ड एरिया में, इसके अलावा 248 नर्सिंग और मिडवाइफरी स्कूल भी बनेंगे। जॉन महोने का निधन हो गया, ये क्या थे? ये एक मशहूर एक्टर थे। कौन सी कंपनी है जिसने इंटेल के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है जिसका नाम है क्रियोन? इसको बनाने वाली कंपनी है टीवीएस मोटर। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे पतला मटेरियल बनाया है? ये
जो हमारा पेपर होता है कागज, उससे एक लाख गुना ज्यादा पतला मटेरियल है। यह बनाया है IIT गांधीनगर ने। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, विजय रूपानी मुख्यमंत्री है। कौन सी मैसेजिंग ऐप है जिसने डिजिटल पेमेंट फीचर अपना टेस्ट करा है भारत में, अब हो सकता है आप इससे पेमेंट भी कर पाए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू, यह है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया था काफी पहले। कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाइक एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करी है इस राज्य में? बाइक एम्बुलेंस यह गोवा के अंदर शुरू करी है मनोहर पारिकर ने, मृदुला सिन्हा यहां की गवर्नर। जो स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 2016 यानी 2016 से पहले जो स्टार्टअप्स हैं उन पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा, अगर उन्होंने कितने रुपए तक की एंजल फंडिंग ली हुई है तो। अगर उन्होंने 10 करोड़ की एंजल फंडिंग ली हुई है तो उन पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। यह अनाउंस करा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP ने। इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिक है जिन्होंने एक नया तरह का पानी बनाया है जिसका नाम है सुपर आयोनिक आइस? इसको बनाया है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। तो यह था दूसरे हफ्ते का भाग एक करंट अफेयर, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।